आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन तो चार स्टेटमेंट दी गई है जो स्टेटमेंट हमारी सही होगी सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए उस स्टेटमेंट को चूज करना है नंबर फर्स्ट मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लिबरेट एज हीट मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए डी पी ऑल लिबरेटेड एनर्जी इज स्टोर्ड एज ए टी पी मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज स्टोर्ड एज हीट तो अब यहां पे रेस्पिरेशन होता क्या है तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान हमारा ब्रेकडाउन होगा किसका ब्रेकडाउन होगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का और इनका ब्रेकडाउन क्यों होता है टू इल्ड एनर्जी और इनके ब्रेकडाउन से हमारी रिलीज होती है एनर्जी और ये प्रोसेस कहां पर होगा टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड इन दाइटो अब यहाँ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होंगे पे जो कार्बन-कार्बन होगा, होगा। उसका और किसके थ्रू ब्रेक डाउन होता है थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन सेल्स लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रेस्पिरेशन इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे रेस्पिरेशन कहेंगे और जो हमारे कंपाउंड जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं जो कि हमारी ऑक्सीडाइज होंगे इनको हम क्या कहेंगे रेस्पिरेट्री सबस्ट्रेट कहेंगे यूजली जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो वर्क करते हैं एज अ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट्स ओके यूजली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी बट प्रोटीन्स फैट्स एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड्स कैन बी यूज एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स इन इन सम प्लांट्स ओके अंडर सर्टेन कंडीशंस तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसके अंदर मोस्टली जो हमारी एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में लिबरेट होगी फॉर्म में आ, रिलीज होगी हीट के फॉर्म में एंड उसके अलावा कुछ हमारी एनर्जी है वो ट्रैप हो जाएगी एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए ओके तो ये इंपॉर्टेंट है ये जानना दैट द एनर्जी रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन इज नॉट यूज डायरेक्टली ये हमारी डायरेक्टली यूज नहीं होती है बट इज इज यूज इस एनर्जी का यूज होगा ए टी पी की सिंथिस में और इस तरह से जो ए टी पी है वो एक्ट करेगी एट अ एक्ट एज अनर्जी करेंसी ऑफ द सेल और फिर ये जो एनर्जी ट्रैप्ड होती है एटीपी के अंदर इसको यूटिलाइज किया जाता है इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म जहां पे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की जरूरत होगी वहां पर इस एटीपी का फिर यूज किया जाएगा तो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लिबरेट एज हीट जो कि सही है एडीपी तो ये बिल्कुल गलत है एडीपी नहीं होगा यहाँ पे सिंथेसिस होती ए टीपी की यहाँ पे दिया गया ऑल लिबरेटेड एनर्जी इज स्टोर्ड एज ए तो ये भी गलत है एनर्जी हीट की फॉर्म में स्टोर्ड होगी ये भी गलत होगा तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग वो है फर्स्ट ऑप्शन क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा सकता है आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर